हेलो एवरीवन, माय नेम इज टाइटस और आज हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स फ्रॉम एक्सरसाइज 28B फ्रॉम द सेम बुक कंसाइड मैथमेटिक्स बाय सेलिना पब्लिशर्स फॉर क्लास 10th और ये हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक ग्रुप एंड न्यूमेरिकल्स है, इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव दैट, इसमें हमारे है 9 बिट्स है, तो देखते हैं कितना बिट तक आज कर पाते हैं। सो प्रूव दैट पे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का बिट 1, इट इज cos a बाय 1 प्लस tan a, cos a बाय 1 माइनस tan a प्लस sin a बाय 1 माइनस cos a इज इक्वल टू sin a प्लस cos a, ये प्रूव करना है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर cos a को वैसे देंगे, डेरिवेटिव लिखेंगे 1 माइनस sin a बाय cos a, फिर यहां पे भी sin a बाय 1 माइनस cos a बाय sin a। सो इस टाइम से सॉल्व करेंगे, यहां पर नीचे डिवाइड में cos a था, cos a नीचे मल्टीप्लाई किया और एक cos a यहां ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसी तरह यहां पर साइन ए है तो यहां पर एक साइन ए नीचे मल्टीप्लाई किए और एक साइन ए ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। सो न्यूमरेटर, अच्छा सॉरी, सो यहां पर हमारा है न्यूमरेटर में कॉस ए बाय, अब ये हमारा बेस पे सेम है कॉस ए और ये हम इसको ले सकते हैं कॉस ए माइनस साइन ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय यहां पर बेस में हम हो गया साइन ए कॉमन और ये हो गया साइन ए माइनस कॉस ए माइनस कॉस ए, ठीक है। ये कॉस ए को सीधा ऊपर ले सकते हैं या फिर ऊपर नीचे कॉस ए मल्टीप्लाई करेंगे, बट हम क्या करेंगे इस कॉस ए को ले जाएंगे ऊपर, ये साइन ए को ले जाएंगे ऊपर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर a डिवाइड बाय cos a माइनस sin a प्लस वो भी भाई sin a ऊपर चले जाएगा, इट बिकम sin स्क्वायर a डिवाइड बाय sin a माइनस cos a, यहां पर है cos a माइनस sin a, यहां पर है sin a माइनस cos a, तो इसमें से हम एक माइनस साइन को बाहर निकाल सकते हैं और हम इसको लिखेंगे कैसे, सो cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos a माइनस sin a, cos a माइनस sin a प्लस sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ cos a माइनस sin a, ठीक है। अब यहां से ये हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा cos स्क्वायर a बाय cos a माइनस sin a माइनस sin स्क्वायर a डिवाइड बाय cos a माइनस sin a, ठीक है। अब यहां से दे आर द सेम डेनोमिनेटर जो कि cos a माइनस sin a है, cos a माइनस साइन ए और ऊपर में रहेंगे हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इतना काम खत्म, उनको मिल जाते हैं। हाँ, ये cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए एक ही दूसरा फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको ले सकते हैं cos a माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, आप ऊपर नीचे कट गया कॉस ए माइनस साइन ए, रह गया हमारा कॉस ए प्लस साइन ए, क्योंकि सीमेंस दिस
वे प्रो यानी कि इज इक्वल टू आर एस। तो बिट वन खत्म, अब आते हैं बिट टू पर। क्वेश्चन नंबर बिट टू दैट इज कॉस क्यू ए प्लस साइन क्यू ए, कॉस क्यू ए प्लस साइन क्यू ए डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस कॉस क्यू ए माइनस साइन क्यू ए, कॉस क्यू ए माइनस साइन क्यू ए डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए इज इक्वल टू। हम पहले क्या करेंगे, रफ सर्फ पर इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, फिर उसका फाइनल आंसर हम यहां पर पुट करेंगे। सो लेट अस यहां पर हम लिख दिया रफ वर्क आर ओ यू जी एच रफ में हम क्या करेंगे, पहले कॉस क्यूब ए प्लस साइन क्यूब ए को हम क्या कर सकते हैं, कॉस क्यूब ए ले सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए। तो कॉस स्क्वायर ए को ले सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ए, मल्टीप्लाई करते हैं देखिए क्या निकलेगा आंसर। सो कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब कॉस ए प्लस साइन ए साइड रखेंगे, कॉस ए प्लस साइन ए को एक साइड रखा, फिर माइनस ये दोनों को अंदर डालेंगे, कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहां पर देख रहे हैं कॉस ए और साइन स्क्वायर ए, मतलब एक कॉस ए और साइन ए कॉमन यहां से आ सकता है, यहां पर साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर यहां से कॉस ए साइन ए कॉमन आ सकता है, तो अल्टीमेटली हम इसको क्या ले सकते हैं, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए को बाहर निकालेंगे, कॉस ए बाहर निकला साइन ए यहां से बाहर निकला, तो यहां अंदर लग जाए साइन ए प्लस यहां पर साइन ए बाहर निकला, कॉस ए बाहर निकला तो लग जाए अंदर कॉस ए, ठीक है। तो इसको मिटा के हमारा अल्टीमेटली आंसर आ रहा है, तो कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉमन निकल गया बाहर, तो हो गया कॉस ए प्लस साइन ए कॉमन बाहर, तो यहां रह गया वन और यहां हो गया माइनस कॉस ए साइन ए, ठीक है। तो हमारा ये जो वैल्यू है कॉस क्यू ए साइन क्यू ए का वैल्यू है हमारा ये, ठीक है। इस पर काम करते हैं हम, यहीं पर लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे कि मैंने क्या किया है। सो इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है कॉस ए प्लस साइन ए इंटू वन प्लस सॉरी इंटू वन माइनस कॉस ए साइन ए, वन माइनस कॉस ए साइन ए, ठीक है। उसी तरह हम सॉल्व करेंगे कॉस क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए, कॉस क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए। तो हम इसको उसी तरह पहले जैसे करेंगे, कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए।
तो cos square cos a और cos square इक्वल लिखेंगे 1 minus sin square a, फिर minus sin a into 1 minus cos square a, ठीक है? फर्दर सिंपलीफाई करेंगे तो हमारा हो गया cos a माइनस कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है? अब वही कॉस ए माइनस साइन ए करके कॉस ए माइनस साइन ए एक्साइड करके, और उसी तरह यहां पर भी क्या लेंगे प्लस, ये हमारा जाएगा साइन ए कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस ए साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस ए साइन स्क्वायर ए, ठीक है? तो यहां से ये हो गया कॉस ए माइनस साइन ए प्लस, हम यहां से निकालेंगे दोनों से कॉस ए साइन ए कॉमन, कॉस ए साइन ए और बैठक के अंदर गया कॉस ए माइनस साइन ए, तो कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए आइडेंटिटी को कॉमन, तो ये हो गया हमारा कॉस ए माइनस साइन ए और फिर बैठक के अंदर गया वन प्लस कॉस ए साइन ए। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये हमारा इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू हम लिख देते हैं यहां पर रफ का काम खत्म। तो ये हो गया कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए इंटू वन प्लस कॉस ए साइन ए, 1 प्लस कॉस ए साइन ए, ठीक है? अब ये वैल्यू को पुट करेंगे ये इक्वेशन पे, तो कॉस क्यू ए प्लस साइन क्यू ए का वैल्यू है कॉस ए प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए साइन ए, 1 माइनस कॉस ए साइन होल डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक है? फिर प्लस कॉस क्यू ए माइनस साइन क्यू ए है कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए इंटू वन प्लस कॉस ए साइन ए, वन प्लस कॉस ए साइन ए डिवाइडेड बाय कितना है cos a माइनस साइन ए, ठीक है? सो ये कैंसिल हो गया इसके साथ, पूरा ये कैंसिल हो गया इसके साथ, तो बाकी बचा हमारा 1 माइनस cos a साइन ए प्लस 1 प्लस cos a साइन ए, तो माइनस कॉस ए साइन ए एंड प्लस कॉस ए साइन ए कैंसिल रह गया, बाकी बचा 1 प्लस 1 नेगेटिव इक्वल टू 2 दैट इज सेम एज दिस, सो एनी इज इक्वल टू प्रूफ बिट 3। सो tan a बाय 1 माइनस cot a, tan a बाय 1 माइनस cot a प्लस cot a cot a by 1 minus tan a is equal to, हमें प्रूव कर रहे हैं sec a cos a plus 1 sec a cos a plus 1, ठीक है? थोड़ा बुक को साइड में रखता हूं। सो अब यहां पर cot a को हम क्या कर सकते हैं, tan a तो रहने दो ऐसे, tan a
बाय 40 लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाय 10 ए प्लस यहां पर cot a वही 1 बाय 10 ए हो गया और यहां रह गया 1 माइनस 10 ए ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे ऐसे हमारा न्यूमरेटर का वही 10 ए है नीचे यहां सॉल्व कर से हो जाएगा 10 ए और ये हो जाएगा 10 ए माइनस 1 प्लस 1 बाय 10 ए इंटू 1 माइनस 10 ए ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 ए चला जाएगा ऊपर तो हो गया एन स्क्वायर ए। तो 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 10 ए माइनस 1 ठीक है प्लस 1 बाय 10 ए इंटू ये है कितना 1 माइनस 10 है। तो हम क्या कर सकते हैं माइनस 10 को बाहर निकाल के हम इसको दे सकते हैं 10 ए माइनस 1 ठीक है। ये अंदर का माइनस से जो बाहर निकाले तो 10 ए हो गया प्लस करें और ये हो गया माइनस 1 ठीक है। तो अब हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 10 ए माइनस 1 प्लस ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा तो इट विल बी 1 बाय 10 ए इंटू 10 ए माइनस 1 ठीक है। हाँ इसका काम खत्म। नाउ 10 ए माइनस 1 10 ए माइनस 1 कॉमन बाहर निकाल दिया सो 1 बाय 10 ए माइनस 1 कॉमन आउट और बाकी अंदर रह गया 10 स्क्वायर ए ए माइनस 1 बाय 10 ए। तो यहां एलसीएम हमारा हो गया 10 ए और ये हो जाएगा 10 क्यू ए माइनस 1 इंटू 1 बाय 10 ए माइनस 1 ठीक है। अब 10 क्यूब ए ए 10 क्यूब ए माइनस 1 इज ऑल द फॉर्म ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो हम इसको लिख सकते हैं 10 ए माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर ए प्लस 10 ए प्लस 1 ठीक है हो गया डिवाइडेड बाय 10 ए माइनस 1 इंटू 10 ए ठीक है। ये कट गया ये कट गया तो इसको सिंपलीफाई करने से हो जाएगा 10 स्क्वायर ए बाय 10 ए 10 स्क्वायर ए बाय 10 ए प्लस 10 ए बाय 10 ए प्लस 1 बाय 10 ए 1 बाय 10 ए ठीक है। तो ये हमारा कट के हो गया 1 यहां से कटा ये कटा तो हमारा हो गया 10 ए प्लस 1 प्लस cot ए। इसको फिर सिंपलीफाई करेंगे तो 10 ए प्लस 1 प्लस cot ए हम इसको लिख सकते हैं 10 ए इक्वल टू sin ए बाय cos ए प्लस 1 प्लस cos ए बाय sin ए। इन दोनों का सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम में हो गया cos ए sin ए। ये काम करेगा इसको रीअरेंज कर देते हैं जब भी आपको कंफ्यूजन होगा तो यहां पर इसको लिखें कितना sin a by cos a plus cos a by sin a plus 1 अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे ठीक। तो जैसे मैं हमारा आ गया sin a cos a और sin a into sin a हो गया sin square a plus cos square a plus 1 हमको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1 सो 1 बाय साइन ए कॉस
ए प्लस वन है और वन का साइन होता है कॉसिक ए, वन का कॉसिन होता है सेक ए प्लस वन, हो गया। तो हमारा प्रूफ हो गया है, किसी को डॉ गया। अगर आप लोगों को अभी भी इसमें कंफ्यूजन है, टेन क्यूब माइनस वन है ना, टेन क्यूब हमारा प्रूफ हो गया, बस ये आपको थोड़ा एक्सप्रेस कर देंगे, टेन क्यूब माइनस वन है ना इज इक्वल टू, मैं कैसे लिखा इसको, टेन ए माइनस वन इंटू टेन स्क्वायर ए प्लस टेन ए प्लस वन, ये एक्चुअली हम फॉर्मुला यूज किए हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला, ए क्यूब यहां पर ए हो गया टेन ए, सॉरी यहां ये टेन ए, तो हमारा ए हो गया टेन ए और बी हो गया वन, तो ये हमारा इसको सॉल्व कर सकते ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हमारा ए स्क्वायर हो गया टेन स्क्वायर ए, ए हो गया टेन ए, बी हो गया वन, बी स्क्वायर हो गया वन, ये हमारा हो गया थर्ड बिट प्रूफ। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। सो बिट फोर इज टेन ए प्लस वन बाय कॉस ए, टेन ए प्लस वन बाय कॉस ए होल स्क्वायर प्लस टेन ए माइनस वन बाय कॉस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम प्रूव कर रहे हैं टू इंटू वन प्लस साइन स्क्वायर ए बाय वन माइनस साइन स्क्वायर ए। आप देखते हैं कैसे होगा, ये टेन ए को हम लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए, तो ये हो गया साइन ए बाय कॉस ए प्लस वन बाय कॉस ए होल स्क्वायर प्लस टेन ए फिर वही साइन ए बाय कॉस ए साइन ए बाय कॉस ए माइनस वन बाय कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें एलसीएम हमारा हो गया कॉस ए और न्यूमरेटर में हो गया साइन ए प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस यहां पर हो गया साइन ए माइनस वन का होल स्क्वायर साइन ए माइनस वन डिवाइडेड बाय कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा साइन ए प्लस वन, साइन ए प्लस वन का होल स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। अब डिनोमिनेटर में कॉमन निकाल देना कॉस स्क्वायर ए और न्यूमरेटर हो गया साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए माइनस वन होल स्क्वायर। एक्सपेंड करने से हमारा आ रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए प्लस वन, ये इसका बिट हो गया, इसका करते हैं ये हो गया साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए माइनस टू साइन ए टू साइन ए प्लस वन होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। सो टू साइन ए प्लस टू और माइनस टू कैंसिल, तो हमारा अब बन गया साइन स्क्वायर ए नोट दो और वन दो, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर हो गया टू साइन स्क्वायर ए टू साइन स्क्वायर ए फिर प्लस टू डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर ए।
तो टू यहां से कॉमन निकालिए बाहर, रह गया वन प्लस साइन स्क्वायर ए। मैं इसको बस रिवर्स कर दिया, वन यहां था उसको आगे लेके इसको पीछे कर दिया और नीचे हमारा हो गया वन माइनस साइन स्क्वायर ए। सो प्रूफ कर दिया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। अब नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर वन का बिट फाइव। तो बिट फाइव हमारा है टू साइन स्क्वायर ए, टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस टू दी पावर फोर ए, कॉस टू दी पावर फोर ए इज इक्वल टू वन प्लस साइन टू दी पावर फोर ए। ओके, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस टू दी पावर फोर ए इज कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। सो कॉस स्क्वायर ए ये हो गया टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आया राइट, सेम एज कॉस स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए को लिखेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब वेन यू ओपन द ब्रैकेट टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अच्छा अब ये जो हमारा है टू साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए को फिर लिखेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए हो गया वन। तो ये हमारा है साइन स्क्वायर ए प्लस वन फिर माइनस ये साइन स्क्वायर ए फिर ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये प्लस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कट गया, बाकी रह गया हमारा कितना वन प्लस साइन टू दी पावर फोर ए। तो एलएच इज इक्वल टू दिस प्रूव। अब आते हैं सिक्स बिट पे। सो बिट सिक्स साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी दैट इज इक्वल टू कितना जीरो। तो एलसीएम ले लेंगे कॉस ए प्लस कॉस बी एंड साइन ए प्लस साइन बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई साइन ए माइनस साइन बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी, ए प्लस साइन बी फिर प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू कॉस ए प्लस कॉस बी। ये लाइन को रखी देते हैं ऊपर तक, हमको डिनोमिनेटर का कोई काम नहीं है, हमको डिनोमिनेटर जीरो होते तो ऐसे पर वैल्यू जीरो हो गया तो डिनोमिनेटर को वैसे रखते जैसा है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी मतलब ये है ऑफ द फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम डायरेक्टली हम न्यूमरेटर में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी।
फिर प्लस ई को सी फॉर्म में ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हम इसको ले सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए फिर माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस कॉस बी कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी। कॉस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए ये हो गया वन, फिर माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी वो भी हो गया वन डिवाइडेड बाय वन हो गया कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी। लेकिन क्योंकि हमारा न्यूमरेटर वन माइनस वन ये हमारा हो गया तो ये इक्वल टू हो गया जीरो। ठीक है,